आज बात करते हैं उन टॉपिक्स की जो अक्सर रिपीट होते रहते हैं, जैसे बात करूं लिक्विड सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ और जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है देखते हैं एक बार। एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का अपना वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का 70 टॉर देके रखा है, मिथाइल बेंजीन का देके रखा है बच्चों 20 टॉर। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज, वेपर फेज का कंपोजिशन पूछ रहा है। इसको ए मान लेता हूं बच्चों और इसको बी मान लेता हूं। बेटा ए और बी का सॉल्यूशन है और ए और बी की वेपर जा रही है, वेपर का कंपोजिशन पूछ रहा है बच्चों। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, इस तरीके से प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाला जाता है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, ए माना मैंने बेंजीन को, उसका प्योर वेपर प्रेशर, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर 70, बेटा इक्विमोलर है तो दोनों के एक एक मोल है, सपोज दोनों के मोल बराबर है तो मोल फ्रैक्शन कितने का कितना आएगा दोनों का, हाफ हाफ आएगा इनटू 1/2, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। ऐसी वेपर कंपोजिशन है, एक्स ए क्या है लिक्विड फेज में, ए का क्या मोल फ्रैक्शन, बी का लिक्विड फेज में कंपोजिशन दैट इज एक्स बी। ऐसी y प्लस वाई बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1। क्लियर है पॉइंट, ये बात समझ में आ गई। तो प्लस 20 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करोगे बच्चों 35 प्लस 10 45 आएगा। अब आपको वेपर कंपोजिशन पूछा है बेंजीन का, अपन ने बेंजीन को माना a, तो y अपॉन पी नॉट ए प्लस वाई बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू आता है बच्चों 1 अपॉन प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये आता है रिलेशन। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। तो बेटा वाई ए निकालना है और पी नॉट ए की वैल्यू कितना है बेटा 70 प्लस बाई बी को ले सकता हूं 1 माइनस बाई और पी नॉट बी बेटा क्या है 20 और प्रेशर सॉल्यूशन वही वाला 1 अपॉन 45। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों आपका बाई की वैल्यू हो जाएगी 0.7। तो ये अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं, राउल्ट्स लॉ पे ही तो क्वेश्चन पूछेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही तो क्वेश्चन पूछेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और कभी कभार ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी से क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं इसी जुलाई अटेम्प्ट का, जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, क्या किसका लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो यहां पे जो अपने पास रिलेशन आता है बच्चों डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, बेटा जहां पे आई की वैल्यू ज्यादा होगी वहां डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, डिप्रेशन ज्यादा हुआ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा कम हो जाएगा, जिसके लिए डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट होगा बच्चों। क्लियर है बात, ये समझ में आ रही है बेटा। अब देखो यहां से मोलैरिटी देके रखा है, मोलैरिटी देके नहीं रखा है, जब भी याद रखना डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके चलना है। ऐसे केस में आप डाइल्यूट सॉल्यूशन मान लो और एक्वस सॉल्यूशन मान लो, मतलब सॉल्वेंट वाटर ले लो, जब भी कोई इंफॉर्मेशन देके रखी है उस केस में आप मोलैरिटी को ऑलमोस्ट मोलैरिटी के बराबर मान सकते हो। क्योंकि बेटा क्या करोगे ध्यान से देखना, मोलैरिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को लिख सकते हैं, ध्यान सुनिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। क्लियर है बच्चों, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर को लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन एमएल डिवाइड बाय 1000, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। सॉल्वेंट कौन है वॉटर, और डेंसिटी वॉटर की होती है 1 ग्राम पर ml, मास बाय वॉल्यूम, मतलब 1 ml वॉल्यूम का मास कितना होता है 1 ग्राम होता है बच्चों। क्लियर है, तो इसको मैं क्या ले सकता हूं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी रख इन ग्राम रख सकता हूं डिवाइड बाय 1000, और डिवाइड बाय 1000 क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये कन्वर्ट हो गया मोलैरिटी में। तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी की वैल्यू मोलैरिटी के बराबर ले सकते हो। क्लियर है बच्चों, अब आई की वैल्यू चेक करते हैं बेटा, ये टूटेगा 2k पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव में, आई की वैल्यू आ गई क्या 3 आ गई यहाँ पे, ये टूटेगा K पॉजिटिव और I नेगेटिव में, यहाँ पे I की वैल्यू 2 आ गई बेटा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है I की वैल्यू 1 हो गई बेटा, ये टूटेगा 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 SO4 नेगेटिव में, यहाँ पे I की वैल्यू 5 हो गई। तो I की वैल्यू हाईएस्ट कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और डिप्रेशन ज्यादा हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट किसका होगा बेटा डी वाले का होगा। तो ये अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं जो कि लिक्विड सॉल्यूशन से पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन को छोड़ के मत जाइएगा, ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट हो सकते हैं कि ये बड़ा ही बेसिक और कंसेप्चुअल टॉपिक है। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और कौन से आपकी टॉपिक की डिमांड है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।